तो आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग दोस्तों, अभी रात के 9 बजे है, डिनर की तैयारी हो रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल एक बिरयानी, जो बिरयानी के लिए लोग मरते हैं, जो पसंद करते हैं। तो इतना मसाला, इतना घी जो तरीके से बनाते हैं ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल मैं बनाऊंगी। काल मैं चिकन बनाई थी, उसका एक कटोरी बचा के रख दिया, उससे मैं बना लूँगी। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने गैस में कुकर रखा, उसमें देखिए मैंने इतना सा तेल दिया, 2 टेबल स्पून। उसके अंदर थोड़ा खुशबू अच्छा होगा, क्योंकि यही खाएंगे और सलाद खाएंगे। थोड़ी सी घी आप इसमें मेल्ट करने के लिए दे रही हूँ मैं, मेल्ट हो जाएगा। वो आँच थोड़ा बढ़ा देती हूँ मैं। उसके बाद ये जब ठीक मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं दूंगी। देखिए एक दालचीनी ये टुकड़ा करके दे दीजिए, एक बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची छोटे इलायची नहीं, ऐसे खोल के दे दीजिए, 2 लौंग दीजिए और थोड़ी सी सफ़ेद जीरा, ठीक है, तो दे दीजिए। इसको फूटने दीजिए, तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये गर्म हो गया, फूट गया है। अभी मैं इसके ऊपर मैं जो चावल धो के रखा, ये 400 ग्राम चावल है, ठीक है। मैं तो चिकन मटन कुछ भी नहीं खाती, इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये धो के मतलब इसमें मैंने डाल दिया था, देखिए सूखा सूखा हो गया। अब थोड़ा अच्छा चावल होने से बढ़िया है, नॉर्मल चावल से भी होगा, मैं अब इसमें डाल दूंगी, ठीक है। 400 ग्राम चावल है, 4 जना का कि 5 जना का, जितना आप खाओगे। ये लंच में कल जाएगा, लोगों को बहुत पसंद है। उसके बाद मैं थोड़ा इसमें नमक दे दूँगी। दोस्तों ख्याल रखना, जो चिकन का जो तरी बचा है उसमें भी नमक है, ठीक है। मैं इसलिए 1 ही चम्मच नमक देती हूँ और थोड़ा बस हो गया, ठीक है। अभी ये चावल को थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई करना है, नहीं तो गल जाएगा। ये फ्राई होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए कितना खुशबू अच्छा आ रहा है, ये बन रहा है। ये थोड़ा चावल है ना, इसलिए हल्दी दे दूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि चिकन बनाई ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही चाहिए। अच्छी तरह से नमक दे दिया, हल्दी दे दिया, देखिए कितना झुरझुरा चावल है, बनेगा जब खिला खिला बनेगा। देखिए कल मैंने चिकन बनाई थी, थोड़ा खाया और इतना सा पड़ा है। ख्याल रखना पानी के देने का समय, क्योंकि तरी में भी देखिए झोल है, ठीक है। तो मतलब 1 कप तरी है, तो आप इसको पूरा इसमें मिला दो। खाली खाली चावल भी टेस्टी लगता है। बिल्कुल सिंपल है, इतना बिरयानी बाहर से खाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी इसको आप मिलाइए, फ्रिज में था, मैंने इसको थोड़ा इंडक्शन में गर्म कर लिया था, ठीक है। इसको अलग से आप रोस्ट करके करोगे, इतना स्वाद नहीं आता, और दुकान में जैसे करते हैं। ये मुगल डिश है, वो ऐसे नहीं बना रही हूँ मैं, ऐसे बना। ये मैंने गर्म पानी करके रखा, जल्दी हो जाएगा और डिश में स्वाद भी आएगा। तो मैं इसमें 5 कप दे दूंगी पानी।
ये हो गया दूध, तीन चार ठीक है। अभी अभी इसको इसमें दे दूंगी। मैंने गैस भी मैं आँच में रखा था, गर्म पानी हो नहीं था, अच्छी तरह से मिला दी। अब होने दीजिए, एक सीटी आएगा उसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा। बस मैंने बंद कर दिया, एक सीटी के बाद आप लोगों को कैसे बना है प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए मेरा बिरयानी बनके तैयार हो गया, अभी मैं इसको साफ कर दूंगी। तो देखिए मैंने साफ कर दिया, इन लोग अभी खाएंगे। मैंने कच्चा प्याज मूली गाजर ये काट के सलाद करके रख दिया है, यही काफ़ी है, थोड़ा नींबू भी चढ़ लीजिए। तो दोस्तों मेरा ये डिश ट्राई करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कैसा बना ये लिख के ज़रूर भेजिए।